आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी पावर स्टॉक के बारे में। अभी भी इस स्टॉक में बायर्स काफी स्ट्रांग हैं और पर्सनली मेरा मानना है कि इजीली ये स्टॉक 500 तक के टारगेट विद इन मैक्सिमम 1 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है। टेक्निकली इस स्टॉक को देखेंगे तो RSI अराउंड 60 के आसपास पिछले काफी दिनों से बना हुआ है और जिस प्रकार से इस स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम में 20 डे मूविंग एवरेज के प्राइस से बाउंस बैक करा है तो श्योरली पर्सनली मेरा व्यू बुलिश है। जब तक ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करती है तब तक इस स्टॉक में मोमेंटम आपको कंटिन्यूस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इस स्टॉक में 30-50% तक की कंटिन्यूस बाइंग दिख रही है और टेक्निकली इस स्टॉक को देखेंगे तो पिछले 1 मंथ में स्टॉक ने अराउंड 15% तक का रिटर्न दिया है। कुछ अपडेट्स भी इस स्टॉक को लेकर के है, तो सबसे बड़ा अपडेट्स जो इस समय लेकर के हम आए थे आपके पास कि अडानी कमीशन इंडिया फर्स्ट विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट बन गई है जो कि पावर प्लांट 390 मेगावाट का राजस्थान जैसलमेर में एकॉम्प्लिश करी है। उसके साथ ही सबसे बड़ा इस स्टॉक में तेजी का कारण ये रहा है कि इस स्टॉक ने लगभग 37% तक की तेजी हमने इस स्टॉक में देखा है और रिकॉर्ड हाई पिछले लगभग हमने इसको 15-20 दिन के आसपास का ड्यूरेशन देखे तो लगभग इस स्टॉक में काफी तेजी दिखा है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है MSCI मॉर्गन स्टेनली इन्वेस्टमेंट रिसर्च फंड में इंक्लूजन के बाद इस स्टॉक में काफी वॉल्यूम ह्यूज आते हुए दिखे हैं और श्योरली मेरा मानना है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं आपकी बाइंग अराउंड 200 के आसपास के अप्रोक्सीमेटली प्राइस की है जिसमें पोजीशन बनाए रखे इजिली ये स्टॉक 500 तक के प्राइस दिख सकते हैं। अगर आपने 320-300 के आसपास की बाइंग करी है तो श्योरली इस स्टॉक में 287-290 के स्टॉप लॉस को लगा करके 500 प्लस के टारगेट के लिए इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं।